राजस्थान के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ आगामी बजट सत्र को लेकर हुई बैठक में शामिल हुए। धारीवाल ने सीतारमण को जीएसटी का पैसा महीने की पहली तारीख को रिलीज करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि फिलहाल यह पैसा 15 से 20 तारीख तक रिलीज हो रहा है, जिससे प्रदेश का आर्थिक प्रबंधन बिगड़ता जा रहा है। यूडीएच मंत्री ने केंद्रीय योजनाओं में प्रदेश के खर्च को समयबद्ध जारी करने की मांग करते हुए कहा है, केंद्रीय योजनाओं में प्रदेश की हिस्सेदारी कम रखनी चाहिए। इसके अलावा दलहन और तिलहन को समर्थन मूल्य से खरीद का पैसा भी जल्द जारी किया जाना चाहिए। धारीवाल ने कोचिंग छात्रों की फीस पर से जीएसटी हटाने की मांग भी की। दरअसल 5 जुलाई को देश का आम बजट निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। इससे पहले उन्होंने राज्यों के वित्त मंत्री से मुलाकात कर देश के आर्थिक विकास में राज्यों के सहयोग मांगा है। उसने तो जो आगामी बजट जो केंद्रीय सरकार का आने वाला है उसके लिए उन्होंने विचार और सुझाव मांगे थे अपने अपने, तो हर स्टेट ने अपने अपने सुझाव दिए। खास तौर पर राजस्थान में जैसे मैंने बोला, पहली बात तो हमने ये बोला कि पहले सितंबर 2017 तक जीएसटी का जो पैसा है वो 1 तारीख को मिल जाया करता था, हर महीने की 1 तारीख को मिलता था। लेकिन ये अब जो इन्होंने बदल करके उसको 15 तारीख कर दिया, और 15 को भी नहीं मिलता बल्कि 20 तारीख को कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि हमारा सारा जो इम्बेलेंस हो गया,